हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज संडे है तो आज डबल धमाला आने वाला है, क्योंकि आज को बच्चों लोगों का ड्राइंग भी सिखाना है और साथ ही साथ 9 बजे से बच्चों के साथ हम लोग केबीसी भी खेलने वाले हैं। तो आज के ब्लॉग में आपको डबल मज़ा आने वाला है, तो बने रहिए ब्लॉग में। अब चलते हैं, थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे 8 बजे आएंगे, तो 8 बजे से हम लोग को ड्राइंग सिखाना है और 9 बजे से बच्चों लोगों के साथ केबीसी का गेम खेलना है। तो गाइस, फाइनली तैयार हो चुका हूँ। अब चलता हूँ छत के ऊपर और बच्चों के बैठने की व्यवस्था करता हूँ। ड्राइंग सीखने वाले बच्चों के बैठने की व्यवस्था हो चुकी है, तो जैसे ही बच्चे आते हैं तो उनको ड्राइंग सिखाना शुरू करते हैं। तो गाइस, आज को बच्चों लोगों को मिला है घर बनाने के लिए, तो आइए देखते हैं इसे बच्चा लोग घर कैसे बना रहा है। ये है इरशाद बाबू, दूध को घर बना रहे हैं। देखो, अपना लिए हम सुतेंगे इसमें आपके लिए। अच्छा, वाह, सलमान खान घुंडी भी लगा दिया है दरवाजे में। नहीं लगाया था, बंद कैसे होगा? बंद कैसे होगा? बड़ा क्रिएटिव सोचता है रे भाई। यह सब बाबू कौन सा कलर कर रहे हैं? चॉकलेट। चॉकलेटी कलर। झोपड़ी का जो कलर होता है पूरा से बनता है ना, झोपड़ी पीला कलर हो गया। अब इसमें क्या था, ब्राउन मिक्स करना, तो नीचे से ऐसे करना है। सबको दिख रहा है? अब इसको क्या करना, थोड़ा सा पूरा का मारना है, तो थोड़ा सा ऐसे से करना पड़ेगा। हट जमा, हटो मेरे पास से। थोड़ा सा ऐसे से करने से क्या होता है, लगता है जैसे पूरा नीचे लटका हुआ है, एकदम बराबर से थोड़ी रहता है। थोड़ा सा नीचे की तरफ में ऐसे से कोना कर देंगे, तो लगे जैसे पूरा लटका हुआ है। ठीक, ये बन गया मेरा छत। अब थोड़ा सा इसमें क्या होता है, देखिए कहीं कहीं पर जहाँ लाइट कम पड़ता है वहाँ पर थोड़ा सा डार्क कलर दिखाना पड़ता है, उसके लिए ब्लैक यूज करेंगे। ब्लैक दीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसके नीचे में कहीं कहीं पर इस तरह ब्राउन ब्लैक से मार देंगे, इससे क्या होता है ना, इसको अच्छा लगता है। थोड़ा सा एक तो क्रॉस मार देंगे कहीं कहीं। अब देखिए, अब लग रहा पूरा आपके आँखें से पूरा एकदम से कलर कर देते। ठीक उसी तरह मान लीजिए बीट है, लकड़ी का मान लीजिए बीट है, तो बीट किस कलर से होता है? ब्राउन कलर से। समझ में आ रहा है सब लोगों को? बच्चे समझ पा रहे हैं आप लोग? मैंने आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो चीज़ हम बना रहे हैं उसका कलर क्या होता है। अपना मन से कलर डाल दीजिएगा तो फिर क्या होगा, मैच नहीं करेगा। तख्ता का कलर क्या होता है? हल्का ब्राउन में। ठीक है, कभी भी प्लेन नहीं छोड़ा जाता है, ब्लैक कलर दीजिए। कभी भी प्लेन नहीं छोड़ा जाता। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रकाश जो है ऊपर की तरफ से पड़ रहा है ना, तो ऊपर की तरफ लाइट होगा और नीचे की तरफ से डार्क होगा, तो सबके नीचे में यहाँ पर देखिए इस जगह पे सबके नीचे में क्या होगा, हल्का हल्का क्या करना पड़ेगा, ब्लैक शैडो देना पड़ेगा। समझ आ रहा सबको? हाँ, समझ में आ गया। देखिए, अब देखिए लग रहा है ना, ऊपर से हाँ पड़ रहा है तो तख्ता की तरफ दिख रहा, नीचे से डार्क से। प्लेन छोड़ देते तो ठीक नहीं लगता, समझ गए सब लोग? लास्ट समझ लीजिए, जब आपका ड्राइंग बनकर तैयार हो जाता है तो फिर आपको देना पड़ता है जहाँ जहाँ बॉर्डर की जरूरत है। जैसे कि यहाँ पर बॉर्डर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इन सब जगहों पर बॉर्डर देना जरूरी है, तो आपको तो बढ़िया सा बॉर्डर देना पड़ेगा। ठीक है, ये बन के हो गया आपका घर तैयार। इतना लंबा मत बनाइएगा, ठीक है ना, ये पोर्शन जो है ना, हाँ उसको बना लीजिएगा, ये पोर्शन जो इतना लंबा नहीं बनाइएगा, पोर्शन छोटा बनाइएगा। अब ड्राइंग का क्लास हम लोग ख़त्म करेंगे, क्योंकि अब ड्राइंग बच्चों लोगों ने बना लिया है, जिन लोगों को जो बताना था बता दिए हैं। अब हम लोग चलेंगे कौन बनेगा 10 पति का गेम खेलने के लिए। तो बच्चों रेडी है आप लोग? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है, तो उनका भी मेकअप चल रहा है।
कोई मेकअप भयाना के मेकअप चल रहा है। आटा लेके आए लोग दाढ़ी बनाने के लिए, देख सकते हैं यहाँ पे दाढ़ी बनाने के लिए और कुछ नहीं आता, क्या क्या नहीं करवाएगा हमसे। तो देख सकते हैं यहाँ पे सर का मेकअप हो रहा है, तो सर ने लगता है कि अपना पूरा मेकअप कम्प्लीट कर लिया है। आटा वाला मेकअप करवा रहे हो ना तुम लोग मिलके, कर सकते हैं सर। रोज आटा का रोटी खाते थे, आज उससे से अपना दाढ़ी मूछ बन रहा है, मेकअप कर रहे हैं। इतना भयानक मेकअप आज तक कोई नहीं किया होगा यार आटा का। सलाम नमस्कार, फारूक है मेरा नाम, स्वागत है आप सभी का कौन बनेगा दसपति में। तो बच्चों आज ये जो कौन बनेगा दसपति का जो गेम है, इस गेम में जिस बच्चे का हॉट सीट पर चयन होगा वो एक खेल के माध्यम से होगा। इसे मिलाइए, मिल गया, इधर घूम के मिलाइए, हाँ मिलाइए, चलिए। अब जाकिर बाबू इसमें से कोई एक पुर्चे आपको निकालना है और इन लोगों का भाग्य का चयन करना है, से कौन हॉट सीट पे बैठेंगे। चलिए निकालिए, चलिए देखते हैं, देखा जाए किसका भाग्य। चलिए आइए, आज के इस गेम में समा परवीन जी का चयन हुआ है इस गेम को खेलने के लिए। तो समा परवीन जी के लिए मैं जोरदार ताली बजाइए। कौन बनेगा दसपति में आपको आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो देवियों सज्जनों शुरू करते हैं कौन बनेगा दसपति। तो जो पहला सवाल है वो है एक रुपए के लिए, और ये सवाल रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आपका पहला सवाल है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है नवाब सिराजुद्दौला, और ऑप्शन डी है जहांगीर। आपका जवाब है शाहजहां। तो क्या आपके जवाब को लॉक कर दिया जाए? जोर से बोलिए जी। ठीक है कंप्यूटर महोदय, इनका जवाब शाहजहां है, तो बी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। बहुत ही शानदार। बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया और आप जीत चुके हैं एक रुपए। अब गेम को आगे बढ़ाते हैं और दूसरा सवाल है आपका दो रुपए के लिए। तो दूसरा सवाल रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है हॉकी, और ऑप्शन डी है टेनिस। ध्यान से खेलिएगा, आप जीत सकते हैं दो रुपए। आपका एक गलत जवाब और आप खेल से बाहर। ध्यान से देखिएगा, सही जवाब बताइए। आपका जवाब है क्रिकेट, यानी ऑप्शन ए। आप कंफर्म है? आपके जवाब को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महोदय इनका जवाब है क्रिकेट, तो ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। आपका जवाब क्रिकेट गलत है। अब ऑडियंस से जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। लगभग सभी को पता है कि ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो सभी से तो नहीं पूछेंगे कि नहीं, एक से पूछते हैं। इनके तरफ कैमरा कर दीजिए,
हाँ खड़े होकर बताइए इसे ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। ताली बजा दीजिए। कोई बात नहीं संभा जी, आपने बहुत अच्छा खेला और आप अच्छा खेल रही थी, तो आपको क्या करना होगा, तैयारी करनी होगी। और अच्छा तैयारी कीजिएगा तो आप गेम में आगे तक खेल पाइएगा और ज्यादा जीत पाइएगा। तो ये रही आपकी धनराशि 1 रुपए, इसका आप क्या कीजिएगा? गजब कल बजेंगे। तो गाइज आज के इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।